केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने रविवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसका बाड़मेर की जनता दिल खोलकर स्वागत कर रही है। वहीं धारा 370 हटने का सबसे ज्यादा दुख कांग्रेस और पाकिस्तान को हुआ है। मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत और सीपी जोशी के बीच फूट है, जिससे सरकार गिरने की कगार पर है और वे सरकार गिरने का ठीकरा भी भाजपा पर फोड़ना चाहते हैं। धारा 370 हटने के बाद वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनके लिए भी सुविधा होगी, वहाँ योजनाएं पहुँचेगी, विकास पहुँचेगा, टूरिज्म भी वहाँ पर बढ़ेगा और दूसरे प्रांतों के भी वहाँ पर जाकर बिजनेस करेंगे तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र उस प्रांत का विकास भी होगा या उसको लगभग पूरा होने वाला है। और इस तरह से किसानों के लिए भी किसान सम्मान निधि के तौर पर इस बार जब बजट पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर पहला निर्णय हुआ तो वो किसानों के हित का निर्णय हुआ। किसान सम्मान निधि के तौर पर जो पहले लघु और सीमांत किसानों को 6000 रुपये पर ईयर देने का तय किया था, तो कैबिनेट के अंदर ये निर्णय लिया कि नहीं, सभी किसानों को 6000 रुपये मिलेंगे। फिर भी जिस तरह पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है, इस पुनर्गठन के अंदर भी राजनीति की जा रही है। पंचायतों के पुनर्गठन के अंदर, पंचायतों का पुनर्गठन तो इसलिए होता है कि कोई गांव दूर है तो उसको पंचायत मुख्यालय पर नज़दीक आए, लोगों की सुविधा के लिए पंचायतों का पुनर्गठन होता है। लेकिन यहाँ जो पुनर्गठन ये कांग्रेस के लोग इस राजस्थान में कर रहे हैं वो राजनीतिक द्वेषता के साथ कर रहे हैं और राजनीति के अंदर वो इस तरह से कर रहे हैं जैसे किसी गाँव है, उस गाँव के अंदर कौन से हमारे वोट हैं, चाहे उसके लिए उसको जो पहले उसका गांव अगर 2 किलोमीटर पे नज़दीक पंचायत है लेकिन उसको 10-10, 15-15 किलोमीटर दूरी पर ले जाकर भी अपने वो इस तरह से राजनीति कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर इस स्थिति के अंदर है कि वहाँ के सीपी जोशी जी और अशोक गहलोत जी आपस में जिस तरह से आपने देखा होगा चल रहा है, आने वाले समय के अंदर इस तरह से इनके अंदर आपस की फूट है तो ये वैसे ही सरकार इनकी आपस की फूट से गिरने वाली है। लेकिन ये गूंड का जो कहते हैं ना ठीकरा फोड़ना, वो वक्त कई नेता बीजेपी पे फोड़ना चाहते हैं।